सबसे टॉप साइंटिस्ट को 7 अवार्ड लिया, जापान में अवार्ड लिया है, एंड दिस मैन हैज डिड लाइक दिस काहे आई विल शो यू शोहरता बकर द टॉप आईएएस ऑफिसर इज सिटिंग 3 आवर्स एवरी डे विद मी बाका मिस्टर वी गुप्ता जी क्यों आपके साथ ऐसा क्यों किया गया सिर्फ हेलमेट नहीं है अधिकार हाथ उठाने का दिया है भागलपुर के कोतवाली पुलिस की दबंगई कैमरे में कैद हो गई जब कोतवाली के एएसआई ने मोटरसाइकिल सवार को चेकिंग के दौरान थप्पड़ जड़ दिया वहीं एक बुजुर्ग स्कूटी सवार को हाथ उठाकर पीटने की कोशिश की जिस पर काफी समय तक आम लोगों के द्वारा पुलिस के इस रवैया को लेकर बहस हुई दरअसल थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक के पास पुलिस मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चला रही थी उसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक हेलमेट लटकाकर आ रहा था इस दौरान पुलिस वालों ने उसे रोक लिया जब युवक एएसआई साहब का पैर पकड़कर छोड़ देने की गुहार कर रहा था इसी दौरान एएसआई ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया वहीं युवक का कहना था कि उसके पास गाड़ी के सभी कागजात मौजूद थे और वह हेलमेट नहीं पहनने की गलती को लेकर पुलिस से गुहार लगा रहा था लेकिन वर्दी के हनक में एएसआई ने थप्पड़ जड़ दिया वहीं एक बुजुर्ग जो अपने आप को वैज्ञानिक बता रहे थे उन पर भी हाथ उठाई थी जिसके बाद वह आग बबूला हो गए थे और पुलिस के साथ जमकर बहस हुई वहीं इस घटना के बाद एएसआई का कहना था कि उसने थप्पड़ नहीं मारा है जबकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती और तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवक को पुलिस वाले ने पीटा है कुछ दिन पहले ही कोतवाली पुलिस का चेकिंग के दौरान वसूली करते वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक नितिशा गुड़िया जांच बैठाई थी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है वही अब देखना है कि दिन दहाड़े चेकिंग के नाम पर लोगों की पिटाई करने वाले एएसआई के खिलाफ आला अधिकारी क्या कहते हैं इस भारत के सबसे टॉप साइंटिस्ट को 7 अवार्ड लिया जापान में अवार्ड लिया है एंड दिस मैन हैज डिड लाइक दिस काहे आई विल शो यू शोहरता बकर द टॉप आईएएस ऑफिसर इज सिटिंग 3 आवर्स एवरी डे विद मी बाका मिस्टर वी गुप्ता जी क्यों आपके साथ ऐसा क्यों किया गया सिर्फ हेलमेट नहीं है तो अधिकार हाथ उठाने का दिया है हम बाबू आपका नौकरी चला जाएगा शाम तक क्या नाम हुआ डॉक्टर नसीम अख्तर पूछ रहे सर हेलमेट मेरे पास है हाँ जबरदस्ती अथी करके अथी की है हाँ हेलमेट पहले पास पहने और लगा था अथी पहले और पहने मेरे पास की हेलमेट मारे भी हमारे काहे मांग रहे कि हमारे पास कुछ है ना जब प्रूफ दिखा के हमको मार रहे क्या नाम है संतोष विनोद कुमार कहाँ घर हुआ बोनर चर दिक्कत यही है कि हेलमेट जिसको नहीं रहता है उसको रोकते हैं उसके बाद मतलब कागज देखते हैं ना उसी पर फाइन होता है हेलमेट और कागज का मारपीट क्यों कर मारपीट नहीं करते अभी मारे है गाड़ी पकड़ने जो गाड़ी पकड़ाया है यही छुड़वाने के लिए ये झूठ बोलता है वो भी उसके साथ भी कोई दुर्व्यवहार में नहीं किया हूँ भाई इज्जत गाड़ी को रोके और मतलब की है की आप आपको कागज है क्या नाम हुआ मेरा नाम नरेंद्र नाम ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं थैंक यू